वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्ती चिकन पोटैटो प्लेटर बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 1.5 पाउंड यहाँ बेबी पोटैटोज है, यानी 750 ग्राम्स के आसपास। बेबी होना जरूरी नहीं है, ये मेरे पास बेबी थे तो मैंने बेबी ले लिए, अदरवाइज कभी कभी बेबी भी काफ़ी इतने बड़े बड़े आते हैं तो वो हाफ भी किए जा सकते हैं, और बड़े अगर है तो उसके 4-5 पीसेस भी किए जा सकते हैं। बहरहाल तो ये मेरे पास 1.5 पाउंड है, चूल्हा मैं ऑन करती हूँ। इसमें मैंने पानी इतना डाला है कि बस आलू मेरे कवर हो जाए, और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक। तो ये चला गया, अब ये उबलेगा। और यहाँ हमारे पास एक पैन है जिसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, और देखें यहाँ हमारे पास लेग पीसेस हैं 2 पाउंड, यानी 1 किलो के आसपास। तो ये है मोटे मोटे बड़े तगड़े तगड़े से, आपके पास जो हो वो आप ले लें। मैंने इसमें देखें स्लिट कर दिया है ताकि मसाले थोड़े अच्छे से पहुँच जाएँ। और इसको अब हम पतीले में डाल देते हैं, और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी, और यहाँ हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की 1 चिकन क्यूब, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चले जाएंगे इसमें, और अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। और अब आलू को हमें उबालना है 90% और चिकन को हमें उबालना है 95%। तो बस इसको हम दोनों को कवर करेंगे, इसको भी कवर कर देते हैं और इसको भी कवर कर देते हैं, और आलू भी 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। और ये 10-12 मिनट पे डिपेंड साइज़ है, लेग की साइज़ कितनी बड़ी है ना। तो बस आपको 95% ये और 90% आलू गला लेने। तो चलिए मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई और अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए काफ़ी हद तक गली भी लग रही है चिकन, और अभी पानी है तो बस चूल्हा हमने तेज़ी रखा है, अभी 2-3 मिनट और भी कवर रखेंगे। और अब आलू को देख लेते हैं, और छुरी डालेंगे। देखिए आलू हमारे बड़े अच्छे से टेंडर हो गए, तो अब इसको हम ज़रा सा यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ एक बड़ा सा पैन रखते हैं, और इस पैन में हम ड्रिजल करते हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल। देखिए पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है और आलू भी बहुत गर्म है, तो अब डायरेक्ट हम यहाँ से लेके अपने आलू और पैन में डालेंगे। ये आलू जो है छिलके के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपके दूसरे तरह के आलू हैं जिसमें छिलका नहीं चलेगा तो आप छिलका निकाल के भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसा लग रहा है वो बचपन के जो कंचे होते हैं ना, उसमें छोटे वाले तो वही लग रहे हैं कंचे। चलें अब इसको हम थोड़ा सॉटे कर रहे हैं। और देखिए हमने आलू उबालने में 1 टीस्पून नमक डाला था लेकिन पानी खूब सारा था, तब अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब चूल्हा खोल के देखते हैं, ये ढक्कन खोल के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये देखिए चिकन हमारी बड़ी अच्छी सी गली हुई लग रही है, अब इसका हम खुला रखते हैं ताकि पानी जो है वो उड़ जाए। अगर आपकी गली नहीं हो तब आप कवर ही रखें और इवेपोरेट कर लें, और अगर गल गई है तब खुला रखें। चूल्हा हमारा हाई पे ही है, आलू गरम गरम है तो ये फ्राई बड़े जल्दी से हो जाएंगे। बस इसको 1-2 मिनट अच्छे से थोड़ा क्रिस्पी, उसका जो स्किन जो है ना वो क्रिस्पी हो जाए जब तक करेंगे, वो फिर खाने में मज़े की लगती है ना। ये देखें कितने खुश हैं।
चले चिकन का चूल्हा जो है बंद करते हैं और ये हमारे आलूओं पे बारीक बारीक चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून धनिया डाल देते हैं। चल आहा हा क्या खुशबू आ रही है। चले चूल्हे को बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए 15 मिनट जब हमारी चिकन और आलू गल रहे थे ना, जब हमने ये थोड़ी सी लंबाई में सेलरी क्यूकम्बर्स एंड कैरेट्स काट लिए थे। चले पैन को वाइप कर लेते हैं थोड़ा सा और इसी में अब अपनी हम चिकन करेंगे। चले चूल्हे को ऑन कर देते हैं दोबारा और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून तक तेल, ये है 2 टेबलस्पून। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। चूल्हे को थोड़ा तेज कर देंगे और इस तरफ जो तेल है इसमें हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते यानी 1 टेबलस्पून के आसपास, 4 सूखी मिर्चें और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देते हैं इसमें। ये यहाँ सौटे होंगे वो वहाँ सौटे होंगे, दोनों खुश खुश फिर मिलेंगे। चूल्हे को अब मैंने तेज़ कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं। जब खुशबू आने लगे गार्लिक से और कड़ी पत्ते से तब मिलाएंगे आपस में, अभी सेपरेट ही फ्राई करेंगे। चले अब इनको मिला लेते हैं आपस में, ये और भी खुश खुश हो जाएंगे देखें। चले इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 2 टेबलस्पून चला गया इसमें, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून जाएगा सिरका, मिलाएंगे। चले अब इसमें हम डाल देंगे अपनी चिकन। चिकन के मसाले भी ले लेंगे फ्लेवर अच्छे अच्छे और अब इसको हम अच्छे से ज़बरदस्त से सॉटे करेंगे। देखिए इसलिए कहा था 95% चिकन और 90% आलू, ताकि उसकी स्किन क्रिस्पी हो जाए स्किन और ये अच्छे से मसाले में खुशबू में नहा जाए बिना टूटे फूटे। बस देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया है हमारा मसाला। अब हम चूल्हा बंद करते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट डिश आउट कर लें और या ये टांगों को थोड़ा सा ठंडा हो तो उसको रैप कर लें। इससे क्या होगा कि रूखी भी खाई जा सकती है और कंफर्टेबल और लुक भी एक अच्छा लगता है। तो अब मैं तो मेरे ख्याल में आता हाथ डाल लूँगी, आप लोग वेट कीजिएगा। तो ये जैसे एक लेते हैं टांग, उसको रैप करते हैं इस तरह। और ये रख लेंगे यहाँ। चलिए अब ये जो मसाला यमी यमी सा है ना, ये डाल देंगे उसके ऊपर। देखा कैसे झटपट हमारा चिकन पोटैटो प्लेटर बन गया। अब इसके साथ रेंच ड्रेसिंग रखी हो किसी किस्म की, ये वेज भी खा रहे हैं, पोटैटो एंड चिकन वैसे भी हैंड इन हैंड जाती है, हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कितना झटपट बन गया और इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, मैं आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये पोटैटोज तो हमारी फैमिली की फेवरेट है। ये एक मरतबा मैंने रोस्टेड भी बताए थे आप लोगों को, इस मरतबा पैन में बताया। ये देखें कैसा ख़तरनाक मील है। चले सबसे पहले मैं पोटैटो ट्राई करती हूँ, ये देखें। स्किन भी एक अच्छी सी हो गई है, इतने टेस्टी हैं। और ये इसके साथ चिकन, mm.
इतनी टेंडर है और फ्लेवरफुल है। पहले तो हमने बॉईल करने में सारे मसाले पहुंचा दिए और फिर इसका तड़का और उसके साथ जब भुनाई की, आ हा हा, सोने पे सुहागा। नींबू डाल के खा के देखते हैं, नींबू के साथ तो और भी अच्छी लगेगी। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक है। आप लोग बनाएं, दावतों में ये बच्चों को ऑयल लगा के, मैं तो जोई को थोड़ी मिर्चें कम डालती हूँ जब उबालती हूँ तो, और उसके बाद फ्राई करके कड़ी पत्ता और उसका लहसुन का ऑयल लगा के लंच बॉक्स में देती हूँ, बड़े शौक से खाती है, और साथ आलू। तो पार्टी प्लेटर भी बेस्ट है, लंच बॉक्स की आइडिया भी बहुत अच्छी है और झटपट बनने वाला है और बजट फ्रेंडली। अब आप लोग इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं और फिंगर फूड के तौर पर भी खा सकते हैं। लाइफ मज़ेदार, आप लोग को जो क्रिएट करना हो करें, मज़े करें और धमाल मचाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।